बिग बॉस 18 के लिए अगर आपको ऑफर आती है तो क्या जाएंगे? हेलो गाइस, तो बिग बॉस OTT 3 के बाद अब क्या लोग इस कटारिया बिग बॉस 18 में जाएंगे? क्या वो बिग बॉस 18 का हिस्सा होंगे? अब इस बारे में मीडिया वालों ने, पत्रकारों ने लोकेश कटारिया से सवाल पूछा, तो वहाँ पर लोकेश कटारिया ने क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ। बिग बॉस 18 के लिए अगर आपको ऑफर आती है तो क्या जाएंगे? यार अभी तो शायद नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी थोड़ा बाहर की लाइफ एंजॉय करनी, दोबारा थोड़ा दिमाग नॉर्मल करें। मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, पता आपको, दो तीन दिन से। अभी मेरे को टाइम लगेगा धीरे धीरे नॉर्मल होने में। जनरली बिग बॉस में से लोगों को खतरों के खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किया जाता है, आपको अगर आता है तो वहाँ पे जाना चाहेंगे? हाँ भाई, वो अलग एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आ गया तो देखते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर लोकेश कटारिया ने सीधा मना कर दिया कि वो बिग बॉस 18 में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो अभी अभी बिग बॉस एक शो खत्म करके आए हैं, तो अभी वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, बाकी बाद में जैसा उनका मूड होगा वैसा वो फैसला लेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिग बॉस 18 में लोकेश कटारिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस बारे में आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।